पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पतंजलि ने कोर्ट में फिर मांगी माफी। मामले में 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का वायनाड में रोड शो। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर संविधान को नष्ट करने के लगाए आरोप। पीएम मोदी को बताया 5-6 बड़े बिजनेसमैन का साधन। पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े गिरोह के सुल्तान बयान पर कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। कार्रवाई की मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा चुनावी बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना, मोदी इसके मास्टरमाइंड। पीएम ने विपक्षी दलों पर योजना को लेकर झूठ फैलाने के लगाए थे आरोप। बीजेपी की 12वीं लिस्ट जारी। 4 राज्यों की 7 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। साथ ही ओडिशा विधानसभा के लिए 21, तेलंगाना में 1 और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। आपने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। पंजाब की फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना की सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीएसपी ने 5वीं लिस्ट जारी कर की 11 प्रत्याशियों की घोषणा। मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ बदला प्रत्याशी। पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को बनाया उम्मीदवार। जिला न्यायपालिका में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। आप नेता संजय सिंह ने पढ़ा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भावुक संदेश। जेल से केजरीवाल ने कहा, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं देशद्रोही नहीं हूं। अपनी ही सभा से भागते हुए नजर आए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। वीडियो हुआ वायरल। सहकारी बैंक नियमितता से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर जनता के सवाल पूछने पर बीजेपी सांसद ने छोड़ी सभा। अब माल्या, मोदी और संजय भंडारी की खैर नहीं। भगोड़ों के प्रत्यार्पण को लेकर भारत और ब्रिटेन ने की चर्चा। जल्द पूरी हो सकती है आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अफसरों को नहीं दी परमाणु ठिकाने की जांच की इजाजत। जंग के बीच बड़े खतरे का अंदेशा। ईरान इजराइल तनाव पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जारी किया बयान। कहा इजराइल पर हमले के बारे में ईरान ने अमेरिका को नहीं दी कोई जानकारी। ईरान की इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक। कहा इसराइल ने पलटवार किया तो हमारा एक्शन होगा खतरनाक। ईरान ने अपने राजनयिक ठिकानों पर इसराइल के हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की मौत में भारत का हाथ होने की जताई आशंका। कहा दो बाइक सवारों ने किया हमला, पहले भी ऐसे ही हुई हत्याएं। 2028 तक सेवा क्षेत्र में होगा सबसे अधिक रोजगार का सृजन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने अपनी इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2013 नेविगेटिंग सेक्टोरल ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट में किया दावा। ग्राहक को कर्ज देते समय बैंक को देनी होंगी सभी जानकारियां, RBI ने जारी किए निर्देश। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दोनों टीम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल शीर्ष दो में शामिल। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से किया अरेस्ट। 14 दिन की हिरासत में दोनों आरोपी, दोनों बिहार के रहने वाले। कौन बनेगा करोड़पति के साथ फिर लौटने को तैयार है अमिताभ बच्चन। 26 अप्रैल रात 9 बजे से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन।